सत श्री अकाल सारे, मैं गुरप्रीत सिंह बल निरपक्ष पोस्ट चैनल देख रहे सारे दर्शकों स्रोतियों का स्वागत करता। उम्मीद करता दोस्तों तुम ठीक ठाक होंगे। पंजाबी सिनेमा जगत की मैं गल करा तो बहुत वड्डा विशाल रुख है, जिस दे उत्ते पता नहीं किन्ने ही अनेक जिहड़े फल ने वह पैदा होंदे रहे। तो उन्हां विच्चों एक मिठे मिठे फल जिहड़े मेरे नाल इस समय मौजूद ने करमजीत अनमोल भाजी हुणी। भाजी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। थैंक यू जी। तो सब तो पहला सवाल यही होगा, किवें चल रही है जिंदगी? बहुत वधिया। पहली गल तो थोड़ी आ पहली जिहड़ी जो शब्द बोले ने सुन के रूह खुश हो गई कि इन्ना वधिया बोले तुसीं, बहुत वधिया लगे। हाँ, अच्छा लॉकडाउन लगे नूं तकरीबन साल हो गया, बहुत लंबा अरसा भी बीत गया, मैं तो कह सकता अरसा ही कहूँगा क्योंकि घरां दे विच बंद सीगे। किवें समां बतीत करदे सी फिर इन्ना? देखो जी, घर परिवार दे विच ही बतीत किया, बाकी जदों थोड़ा जिहा होर घर भी बोर हो जांदे तां मैं पिंड चला जांदा सी अपने घर, ते लंघ गया समां, उह वी ते इह वी आ गया हुण। ते बाकी परमात्मा अगे बेनती कर सकते हैं भी छेती तो छेती है करोना वर्गी नामराद बीमारी तो खड़ा छुटे, तो सारे लोग अपने खुशहाल जीवन बतीत कर। अच्छा मैं पूछना थोड़े तो भी चाहूँगा भी कहें भी कुड़ियाँ पहले घर के जिम्मे हूँ जो कोई मॉडल हो घर घट होंगे क्योंकि शूट्स होंगे से कोई इंटरव्यूज़ होंगे सगिया नाइट शूट्स होंगे सके घर के रहे हो एक कोई पॉजिटिव चीज़ जी तुम मानते हो भी करोना करके बाकी तो चलो नैगेटिव सारिया हुई कोई एक पॉजिटिव चीज़ जी थोड़ा लगती है भी करोना करके हुई है? पॉजिटिव रहना, पेशेंस लैवल जिहड़े सी वो बहुत मेनटेन करके रखे करोना तो बाद। डेली रूटीन जिदा आप जा रहे देखो काम नू कोई भी ना नहीं करता, बट लालच जिहड़ा सी उदों खत्म हो चुकिया सी काम दा, है ना, कि इको दम बह के सुखी जीवन जिहड़ा आप बतीत किया अपने परिवार के नाल, माँ धी का रिश्ता जिहड़ा होर गहराई दे नाल असी फील किया। बच्चों कई पेरेंट्स इदा दे सी डेली रूटीन करके देखो सारे नू काम करना ही पैना, है ना, तो काम नू ना ना नहीं करते सी, केयर टेकर को छड्ड के जाते सी, उन्होंने भी अपने बच्चों के नाल टाइम स्पेंड कर मौका मिले। बाकी कोई भी चीज़ ले लो हर एक दे पॉजिटिव भी होंगे ने इंपैक्ट तो नैगेटिव भी होंगे ने। करमजीत अनमोल भाजी तुसी भी एक पिता हो, अजकल दे यूथ दे विच कीड़ी एक चीज़ तुसी मानते हो भी जिहड़ी बहुत घट पहला बहुत होंगी सी, यानी कि पहला भी जिहड़े जिहड़े साडे बजुर्ग सी जद वह छोटे होंगे सी उन्हां दे विच आ चीज़ बहुत चंगी सी, अज दे यूथ दे विच अज दी जवानी दे विच वह चीज़ घट है? देखो पहला की हुंदा सी कि बच्चे आंढ गुआंढ च खेडण जांदे सीगे, है ना, पिंडां दे विच, मैं पिंड दा रहण वाला, मैं एक पेंडू हाँ, तो उहदे च सारे चाचे ताया नाल जां आंढियां गुआंढियां नाल बड़ा प्यार हुंदा सीगा, ते जिहड़ा शहरीकरण हो गया जां जिहड़ा मॉडर्नाइज़ हो जमाना हो गया हुण की है कि पहले जे कोई चंगी माड़ी गल हुंदी सी थोड़ा चाचा ताया जां कोई दोस्त जां कोई आंढी गुआंढी समझा दिंदा सी, हुण तुसीं बच्चियां दे दोस्त भी तुसीं हो, चाचे ताए भी तुसीं हो, माँ प्यो भी तुसीं हो, थोनू ही सारा कुछ है। जिहड़ा बंदा अपने बच्चों दे लैवल ते रह के सोचदा है जां उहनां दा फ्रेंड बन के रहिंदा कि पता नहीं होंदा क्योंकि इस उम्र दे विच किधर नूं बच्चा जा रहा है, तो घट्टो घट्ट इन्नी उहनूं मतलब खुल होवे इन्ना को कंफर्टेबल होवे कि अपने प्यो नाल जां मां नाल गल कर सकदा होवे। सो क्योंकि अजकल वो जिवें मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया कि आंढ गुआंढ भी नहीं रहे उदां दे, ना ही चाचे ताए रहे, हरेक दे कल्ला कल्ला जवाक हुंदा, है ना, ते तुसीं ए प्यो हो, तुसीं ए मां हो, तुसीं ए चाचे हो, तुसीं ए दोस्त हो बच्चों के नाल, ये पहलां नालों मिसिंग है चीज़ें जी। अच्छा पंजाबी सिनेमा दे विच कीड़ी एक चीज़ ऐसी मानते हो भी जिहड़ी हजे घाट है, यानी कि बॉलीवुड के देखा तो कितना कितने प्रोफेसनलिज़म जिमें कि सरदार सोई साहब ने गल की कि प्रोफेसनलिज़म बहुत है, हूँ कितने कितने पंजाबी सिनेमा ने वो चीज़ जरूर अपना ली, पर हजे भी कि चीज़ लगती है जी सिनेमा जगत में पंजाबी सिनेमा जगत में बॉलीवुड तो सीखने वाली है कि आह चीज़ यार सानू अपनानी चाहिए? देखो पहली गल तो यह है कि जेडे साडे पंजाबी ने खास करके उन्होंने प्रायोरिटी पंजाबी फिल्म नूं देनी चाहिए है, जिवें साउथ वाले है वह जिहड़ी मर्जी फिल्म आई होवे जे उन्होंने साउथ की ओरिजिनल लैंग्वेज की फिल्म लगी है तो पहले उन्होंने प्रायोरिटी देंदे, वह देखते हैं बाकी फिल्मों नूं बाद च देखते हैं। दूजा है कि थिएटर होर खोलने चाहिए, जिहड़ी एक मैं सब तो वड्डी घाट समझदा कि पाकिस्तान जिते खुल गया साडे लई पंजाबी फिल्मों लई, क्योंकि उत्थे 13 करोड़ पंजाबी ने, बहुत वड्डा पंजाब है, उत्थे बहुत वड्डी मार्केट है पंजाबी दी, जिदे वो खुल गई तो अपनी इंडस्ट्री साउथ के बराबर आ जाऊगी। मैसेज आते होंगे पाकिस्तान तो भी भाजी छेती खोली जाए? हाँ बहुत आते हैं जी, क्योंकि लोग मेरा ख्याल है भी 50% साढ़े जे चाहण वाले है वो पाकिस्तान के विच ने, बहुत प्यार करते हैं पंजाबी लोगों को, पंजाबी आर्टिस्टा। सो जिदे पाकिस्तान खुल गया साड़ी एक बहुत वड्डी टैरिटरी बन जूगी, तो साडा एक कनेडा पंजाब है, साडा इंग्लैंड पंजाब है, साडा अमेरिका पंजाब है, न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया पंजाब है, तो एक बहुत वड्डा पंजाब जिहड़ा पाकिस्तान च मिल जाए सानू, तो मैं कहना भी इस इंडस्ट्री नाल दी कोई इंडस्ट्री नहीं होगी। अच्छा मैम एक चीज़ मैं जरूर जाननी चाहूँगा, करमजीत अनमोल भाजी एक वर्सटाइल एक्टर ने, इन्हें कोई रोल दे दो जिहदे कर लैंदे ने, कोई एक चीज़ जिहड़ी इन्हां दे विच तुहानूं ऐसी लगदी होवे भी आह चीज़ मैं ना अपनी जिंदगी दे विच अपनानी चाहुंदी?
बहुत पॉजिटिव रहिंदे ने, हर एक चीज़ नू जड़ी अपनी स्माइल दे नाल डील करदे ने। कोई भी नैगेटिव सिचुएशन भी होगी ना, बहुत पॉजिटिव तरीके दे नाल उसनू डील करदे ने। किते ना किते देखिया जावे पंजाबी दी, तुसीं जिद्दां गल कर रहे हो, मेन घट असीं इत्थे खाने सी सारे अपने जिहड़े दो मिनट भी साडे कोल बहिंदे नू अपना समझदे हैं। इस करके किते ना किते प्रोफेशनलिज्म जिहड़ा अप घट जांदा साडे 'च, क्योंकि असीं अपना समझ के उहनू प्यार भी करदे ने, ते जिस करके टाइम टूइम दा जिहड़ा कोई सिस्टम हो जांदा उहदे विच घट खाने आपां। अच्छा, इस फिल्म दे विच तुसीं इहनां दी धी दा रोल कीता, ते की लगदा वी जिहड़ा बॉन्डिंग धी दे विच आ दे प्यो दे विच अज तुसीं फिल्म दे विच दिखाई है, इह असल दे विच हैगी है? बिल्कुल जी, क्योंकि जदों सैट ते जांदे सी इह बच्चा वांगू शरारतां करदे सी, मैं इहदा कदे गल घुटदा कदे थप्पड़ा मारदा इहदे, है ना। एक पता की हुंदा जदों नवें कलाकार नाल तुसीं कम करदे हो, तुहानूं जे इह मेरी धी है ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਥੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿਣ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। एक फिल्म हुई हिट होंगी है तो स्टारडम आ जाता है, एटीट्यूड लैवल वध जाता है, फुकरी आ जाती है, कितना कितने तुहानू लगता है चीज मारू पैंदी है? बिल्कुल मारू पैंदी है जी। मैं तुहानू दसदा कि मैं मेरा ख्याल है भी 90 तो वध फिल्मां कर लियां, ते मैं कुछ फिल्मां इहो जिहियां ने भी जिहड़ियां बहुत वधिया लोकां ने पसंद कीतियां ने, और मैनू नहीं लगता, मैनू हर फिल्म दे विच ऐ लगता मैं नवां भी, मैं अज ही इह फिल्म मेरा इम्तिहान है। मैं अज तक अपने आप नू उवें लोक कहिंदे भी तू बहुत वड्डा स्थान अचीव कर लिया, पर मैनू कदे अपने आप नू नहीं लगा, मैनू लगता मैं होर करां भी अजे घाट है मेरे च, होर करां। इह भुख रहनी चाहिए बंदे च, जदों बंदे नू मैं परफेक्ट हाँ उदों डाउनफॉल आउंदा, तां बंदा कदे भी मतलब बंदा परफेक्ट नहीं हुंदा, एंड तक स्टूडेंट ही रहिंदा। सीखण दी भावना होनी चाहीदी है, मनशा होनी चाहीदी है। ते दूजी गल इह है कि मैं संघर्ष बहुत कीता, बहुत लंबा समां संघर्ष कीता। संघर्ष जिहड़ा वह बंदे नू होर बाकी कुछ चाहे ना बनावे, पर बंदे नू बंदा जरूर बनाउंदा, वह बंदा नवें कलाकारां नू जिहड़े भी कोई नवें बंदे जुड़दे आ तां उहनां दी फीलिंग्स छेती समझदा कि नहीं यार मैं इस सिचुएशन दे विचों लंघिया तां मेरा मन किन्ना दुखी हुंदा सीगा उदों, ते जे हाँ ते वह मैं इस करके हर एक नाल वधिया व्यवहार करदा। मेरी कोशिश हुंदी है कि नवें तो नवें कलाकारां नू, मैं नवें म्यूजिक डायरेक्टर बहुत इंडस्ट्री दे विच लिआंदे, बहुत एक्टर लिआंदे और बहुत राइटर लिआंदे, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੇਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਲ ਪਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਘਰੇ, ਉਹ ਚਾਅ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਾ ਚੱਲ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਿਆਈਏ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫੀਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੂ, ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 25-25 ਵਾਰ 20-20 ਵਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਕੱਢੋ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬਾਪੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਬਣਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਮਾਰੇ ਖੁਦ ਦੇ? ਮਿਹਨਤ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਭੱਜੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣਦੀ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਅੱਠ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਆ, ਰੁੱਖ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੋ, ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਨਾ ਬਣੋ। ਜੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨੇ ਮੁਰਝਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਜੜ੍ਹ ਬਣੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਨੇੜਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ
ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਤੇ ਬਾਪੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਮੈਮ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਪਫੁੱਲ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।